सो गाइज 2010 के हम लोग पहुंच चुके हैं आज सेट नंबर 2 पे, जो कि आपका सीजीएल टीयर 2 का सेट। टीयर 2 मतलब मेंस का ये सेट है, इसका मतलब यहाँ पर रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 200। आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ पे मेरे साथ में। शुरू में ही दिया गया है यहाँ पे आपको कॉमन एरर के 20 बहुत शानदार क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छी ग्रामर के साथ में आपको यहाँ सीखने को मिलेगा इनको। तो चलेगा मेरे साथ, बढ़िएगा गाइज, जरा भी आलस मत कीजिएगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको लेके डूब सकती है, क्योंकि मेंस के सेट करने बेहद ज़रूरी है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ सेट प्रैक्टिस सेट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। कह रहा है कि मैनी या स्टूडेंट हैव पास्ड। गाइज मैं आपको बता चुका हूँ कि मैनी के बाद में अगर आर्टिकल लगा हो ए या एन, तो आप लोग लगाते हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को, और यदि मैनी के बाद में ए या एन ना लगा हो तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैनी के बाद लगा है आपका आर्टिकल, तो हम लोग लगाएंगे सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मैनी अ स्टूडेंट हैव नहीं, हैज़ का इस्तेमाल यहाँ पे होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता गाइस। यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में है आपके फिलहाल एरर। ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। गाइस टाइम के लिए हमेशा प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ओन का। ओन का इस्तेमाल करते हैं डेट से पहले, डेट प्लस मंथ से पहले, डेज नेम से पहले। तो यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होगा एट, यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। कह रहा है कि अमेरिकन्स आर अकस्टम टू ड्रिंकिंग कैफे विद देयर मील्स। सो गाइज यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर से इस्तेमाल किया है, आर इज एम आर प्लस अकस्टम। यहाँ बच्चे थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। अकस्टम टू, अकस्टम टू के साथ में हमेशा जीरण का इस्तेमाल होता है, जो कि उसने किया भी है, यानी कि ये उसने जानबूझ के किया है, क्योंकि बच्चों को पता है कि टू के बाद फर्स्ट टू माया करती है। बच्चे यहाँ गलती निकालेंगे, लेकिन गलती है नहीं गाइज, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ही आस्क वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। ही आस्क वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, गाइज सेंटेंस जब आपका ईच एवरी आइदर नाइदर नन एनीवन एनीबॉडी जितने भी हों इनसे जुड़ता है, उसके बाद में प्रीपोजिशन अगर हो तो, क्योंकि प्रीपोजिशन वाले की बात को हम कुछ नहीं मानते हैं, इनके हिसाब से आपको सिंगुलर वर्ब को लगाना होता है गाइस। तो यहाँ पे वर नहीं वोज का इस्तेमाल होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस में हो जाएगा आपके सी पार्ट में एरर। आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड। आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज, आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज, यानी कि यहाँ पे आफ्टर वाले पार्ट में उसने हैड का इस्तेमाल किया है गाइस। किसका इस्तेमाल किया है? हैड का। सो आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड, सबके सब एक ही आवाज़ में जो है रिपीट करते हैं वर्ड को। सो गाइस यहाँ पे एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, पार्ट नंबर सी में रिपीट भी कह रहा है और अगेन भी, जो कि आपका रोंग है, क्योंकि ये दोनों सेम मीनिंग के वर्ड है गाइस, और जो सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं कभी भी एक साथ दो वर्ड नहीं आ सकते गाइस। यहाँ पे यानी कि सी पार्ट में हो गई आपके एरर। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है, इट वॉज मी गाइस, ये रोंग है आपका। इज एम आर वॉज वर्ग के साथ में, इज एम आर वॉज वर्ग के साथ में कभी भी अगर आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। किस में होगा? सब्जेक्टिव केस में। प्रोनाउन नाम का लेक्चर मेरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। सो कह रहा है कि इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज मी नहीं, इट वॉज आई, इट वॉज आई होना चाहिए था। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एक और गलती भी है, कह रहा है कि इट वॉज आई हु हैज नहीं हैव, यानी कि पहले ही पार्ट में यहाँ पे आपको दो मिस्टेक दी गई हैं एक साथ। सिक्स सेंटेंस में आपके हो गई है ए पार्ट में एरर। आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट अ शॉक। गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखेगा, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में जब भी डब्ल्यू फैमिली आपके बीच में आएगी, उसके बाद अगर आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं और फिर सब्जेक्ट, तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को शो करता है, जो कि सही नहीं है। डब्ल्यू फैमिली का बीच में आना मतलब डब्ल्यू फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। आई वंडर व्हाई यू आर टिंकरिंग होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में है फिलहाल आपके एरर। नो सूनर गाइस गलत हो गया है,
जब भी किसी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होगा, जब भी किसी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होगा तो आपको उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना ही होगा, ये ध्यान रखें। जब भी किसी एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद आएगी। नो सूनर हैड शी सेंटेंस होना चाहिए था, यानी कि इसके ए पार्ट में ये हो गई है आपके मिस्टेक। हालांकि ये वो रूल्स हैं जो अब आपको तोते की तरह रट चुके हैं गाइस, यानी कि अब आप इनको बहुत अच्छे तरह से जान चुके हैं, इस पर कमांड बना चुके हैं। लेट्स स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द पार्क कैन वी, गाइस आपको याद होगा लेट वाले के मैंने आपको दो क्वेश्चन टैग बताए थे, एक तो लेट्स का अलग और लेट मी, लेट हिम, लेट हर, इन सब का अलग। लेट्स का बनता है गाइस क्वेश्चन टैग शुड वी, क्या बनता है शुड वी, और बाकी सबका बनता है विल यू, क्या बनता है बाकी सबका विल यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग सी पार्ट में कैन वी की जगह आपका हो जाएगा शुड वी। यू हैड बेटर गो नाउ और यू विल बी लेट, यू हैड बेटर गो नाउ, गाइस यहाँ पे ध्यान रखना हैड बेटर, यस, और बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे रेदर, इन सब के साथ में जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये हैड आपका एज अ थर्ड फॉर्म लेके नहीं चलेगा सेंटेंस को, इस बात से बच के रहना। अक्सर बच्चे गलती कर सकते हैं लेकिन इनके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा, यानी कि इस सेंटेंस में आपके हो चुकी है एरर बी पार्ट में। आगे बढ़ेगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमर्ग पार्क फॉर द लास्ट टू डिकेज। तो यहाँ पे सिंस या फोर प्लस टाइम की बात कर रहा है गाइस, सिंस या फोर प्लस टाइम की, जब भी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम की बात होगी तो हम लोग लगाएंगे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक साथ में आपकी आएंगी आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट टू डिकेड्स, यानी कि इस सेंटेंस के भी है आपके बी पार्ट में ही एरर। टू लैक ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। तो गाइस यहाँ पे जब उसने 2 लाख के ही दिया है तो आप इसके साथ में एस या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस गाइस 2 लाख, जब भी किसी संख्यात्मक नाउन से पहले, जब भी किसी संख्यात्मक नाउन से पहले, संख्यात्मक नाउन से पहले लाख, करोड़, थाउजेंड, दर्जन, इनसे पहले कोई निश्चित संख्या आ जाए आपकी 2, 3, 4, आप इनके साथ में एस या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस गाइस, तो 2 लाख्स नहीं, 2 लाख होना चाहिए था, इस सेंटेंस की हो गई आपके पहले ही पार्ट में एरर। देर इज अ बीच, देर इज अ बैक वायलेंस कॉन्सर्टो ऑन द रेडियो एट 6 PM दिस इवनिंग, सेंटेंस नंबर आपका 13। सुंदर सेंटेंस है, यहाँ पे कह रहा है कि देर इज अ बैक वायलिन कॉन्सर्टो ऑन द रेडियो एट 6 PM दिस इवनिंग। सो गाइस यहाँ पे जो उसने अ 13 सेंटेंस में पहले पार्ट में अ का इस्तेमाल किया है ये आपका रॉन्ग है, इसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ले योर बुक असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, 14 सेंटेंस। तो गाइस यहाँ पे पहले में तो ले योर बुक असाइड, अपनी बुक एक तरफा रख करके लाई डाउन, गाइस लाई का मतलब होता है लेटना, क्या होता है लाई का मतलब लेटना या पड़े रहना। तो यहाँ पे बी पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा लाई डाउन टू रेस्ट, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। वी वेंट विद गुप्ताज टू अ मूवी कॉल्ड दीवार, तो हम लोग गुप्ताज के साथ में गए थे एक फिल्म देखने जिसका नाम था दीवार, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई नहीं है इसमें एरर किसी प्रकार के भी। सेंटेंस नंबर 16 देखेगा, वंस एन ओल्ड हर्मिट सा अ कैट पाउंस अपॉन अ रैट। तो गाइस सेंटेंस में बताने को क्या गलती है, वंस एन ओल्ड हर्मिट सा अ कैट पाउंस अपॉन अ रैट, देखिए बहुत समय बाद ये एरर आई है तो मुझे लगता है कि आप भी ये रूल शायद भूल चुके होंगे। यस गाइस, तो अच्छा है प्रैक्टिस सेट करना। अब आप देखिए कि प्रैक्टिस सेट कितना फ़ायदा है गाइस, मैंने आपको बताया था पहले भी कि सी के साथ अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, और अगर वॉच के साथ दूसरी वर्ब आ रही है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी गाइस। तो यहाँ पे सी के बाद हमारा वंस एन ओल्ड हर्मिट सॉ अ कैट पाउंसिंग अपॉन अ रैट होना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस में सी पार्ट में है आपके एरर। आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। सेंटेंस में गाइस, सेंटेंस में इन्वेड की जगह इन्वेड्स होगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है अ कंप्यूटर वायरस जो कि सिंगुलर है उसके लिए लगाएंगे। देखते हैं यहाँ पे अ कंप्यूटर वायरस वर्क एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी
विच इन्वेड्स, गाइज यहाँ पे विच से सेंटेंस जुड़ा है तो ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, इसके पहले वाले के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगानी होगी जो कि उसने कहा वैरायटी नॉट वैराइटीज, तो आपको सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, इन्वेड की जगह इन्वेड्स कहना होगा। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय स्कूल माय बॉयज हैड नो एविडेंट लव फॉर म्यूजिक। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय स्कूल, सेंटेंस नंबर 18, जब सबसे पहले मैंने शुरू में इस्तेमाल किया, सॉरी इस्तेमाल कह रहा हूँ, शुरू किया स्कूल को पढ़ाना। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड नहीं गाइस, व्हेन आई स्टार्टेड से एक आम चल जाएगा, फर्स्ट की जरूरत नहीं है बिकॉज स्टार्ट शुरू में ही किया जाता है गाइस। यस मैं ये नहीं कह सकता ना व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल मतलब शुरुआत शुरू में ही की जाती है, अंत में थोड़ा शुरुआत होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट, पहले पार्ट में है मिस्टेक। माय अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे, गाइस सेंटेंस में आपका लास्ट प्लस टाइम सैटरडे, तो आपको सेंटेंस बनाना होगा सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म के साथ में, माई अंकल हैज़ लेफ्ट की जगह आपको लिखना होगा सिर्फ लेफ्ट, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आगे कह रहा है कि डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई ब्रदर, मत सोचो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो जैसे तुमने मेरे भाई को दिया था। सो गाइज यहाँ पे जो सेंटेंस कह रहा है कि डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई ब्रदर, तो यहाँ पे जो सी पार्ट में लाइक यू डिड माई ब्रदर जो कर रहा है डिड माई ब्रदर, ये आपका रॉन्ग है गाइज, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस आपका चल रहा है पूरा सेंटेंस के फॉर्मेशन में, सब्जेक्ट आया है, वर्ब आई है, ऑब्जेक्ट आया है, तो गाइज ये आपका पूरा सेंटेंस है, जबकि लाइक आपके एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन वाले पार्ट के बाद कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं आ सकता, आपको लाइक हटा करके लगाना होगा एज, क्या लगाना होगा एज, तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस में हो गई आपके सी पार्ट में एरर। यस गाइज चलिए जी आगे देखते हैं क्या कह रहा है 21 से 25। द कोर्ट हैज़ एब्जोल्ड हिम डैश द चार्ज लेवल अगेंस्ट हिम, तो एब्जोल्ड मतलब किसी चीज़ का कोर्स सॉरी कोर्स कह रहा हूँ केस वगैरह का सोल्व होना, यानी आरोप से किसी को बरी कर देना। सो गाइज जब किसी को बरी करना है, किसी को निकालना ही है, किसी को कहीं से मुक्ति देनी है, तो उसके साथ हमेशा इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का, इसका फ्रॉम का, तो यहाँ पे गाइज हो जाएगा इसका आंसर डी करेक्ट। ऑल सिविलाइज नेशंस नाउ बिलीव इन डैश ट्रीटमेंट ऑफ प्राइजनर्स, ऑल सिविलाइज नेशन नाउ बिलीव इन ह्यूमेनिटेरियन या फिर ह्यूमिलेटिंग। सो गाइज यहाँ पे बताना है किस पार्ट में मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे पहला वर्ड आपका ह्यूमन मतलब मानव, ह्यूमेन मतलब दयालुता से भरा हुआ, ह्यूमेनिटेरियन यानी कि मानवतावादी, तो यहाँ पे 22 का जो आंसर है आपका हो जाएगा बी ही करेक्ट। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन डैश इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कैन डैश इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे 23 में आपका हो जाएगा कैन रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। हिज फादर इंट्रोड्यूस हिम एट एन डैश एज टू द गेम ऑफ क्रिकेट, यानी कि उसके पिताजी ने उसको गेम में जो है शुरू में ही डाल दिया था, ये कहना चाह रहे हैं। इनक्यूसिटिव इनसेंसिबल इम्प्रेसिनेबल या फिर इम्प्रेसिव, सो गाइज ये भी आपका है वोकेबलरी बेस्ड, अगर आपके पास अच्छे खासे वोकेबलरी है तो ये आप इसको कर पाएंगे, जैसे कि पहला वर्ड आपका इंटरेस्टिंग मतलब उत्सुक, अगला वर्ड आपका इनसेंसिबल संवेदनहीन, और उससे अगला वर्ड है इनप्रेसिनेबल यानी कि जो आसानी से प्रभावित हो सके, और इम्प्रेसिव मतलब शानदार, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, यू आर वेलकम टू पार्टेक 25 में पार्टेक के साथ आपको लगाना होगा हमेशा ऑफ, किसी पार्टी वगैरह में हिस्सा लेना तो हिस्सा लेने के लिए लगाते हैं ऑफ का, यस तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 26 से 30 तक हैं हमारे यहाँ पे वोकेबलरी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इन वर्ड्स के मीनिंग, आपको साथ साथ इन मीनिंग के मैं ऑप्शन के साथ भी मीनिंग बताता चला जाऊँगा, आप कोशिश कीजिएगा आंसर के इनके देने की जवाब अपने शब्दों में। यस गाइस चलिए मैं शुरू करता हूँ अपनी बात और मीनिंग आपको बताना चलता हूँ। पहला वर्ड आपका डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, मेहनती, कॉन्फिडेंट मतलब किसी चीज़ के प्रति कॉन्फिडेंट होना, हार्ड वर्किंग का मतलब भी, लेजी मतलब सुस्त और शाई मतलब शर्मीला, तो हार्ड वर्किंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा और लेजी मतलब इसका एंटोनियम्स, हमें बताना है इसका एंटोनियम्स ही अपोजिट वर्ड बताने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अगला वर्ड आपका स्टेड फास्ट यानी कि बिल्कुल अटल रहना, अपनी बात पर डगमगाना नहीं, तो पहला वर्ड आपका यहाँ पर स्टंच, स्टंच मतलब अपनी बात पर अड़िग रहना, फीबल मतलब कमजोर, फेंट माने भी धुंधला धुंधला दिखाई देना, और वेवरी मतलब हिलता डुलता डगमगाता हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। एज अ राइटर
ही इज़ वेरी कंसाइटेड अबाउट द वर्क. तो कंसाइटेड मतलब घमंडी, घमंडी होना, प्राउड माने घमंडी या गर्व भी बोल सकते हैं, ऑनेस्ट. मॉडस्ट मतलब नम्र स्वभाव का. इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट. हिज पनिशमेंट विल बी डेट्रेंट. हाँ, डेट्रेंट मतलब किसी चीज़ को हतोत्साहित करना, इसका हौसला गिराने वाला. तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा डेट्रीमेंट. डेट्रीमेंटेंट एनकरेजमेंट, किसी का हौसला बढ़ाना. स्पूरियस मतलब झूठा या नकली. तो ट्रूथफुल मतलब सच्चा. ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक. क्रेडिबल मतलब विश्वास योग्य, ओरिजिनल. तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट. अगले जो वर्ड है वो आपके सिनोनिम्स यानी कि आपको सिनोनिम बताने हैं. सोलिसिज्म पहला वर्ड है आपका. तो यहाँ पे व्याकरण की गलती, इसको बोलते हैं गाइस. तो वाइज सेइंग, विटी क्विप, क्लेवर आर्ग्यूमेंट या ग्रामेटिकली एरर. इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट. अगला है कोरोबरेट, सत्य साबित करना. कोलेबरेट सहयोग करना. सब्सटेंसिव यानी कि यही सत्य साबित करना. कोऑपरेट सहयोग करना. कोरिलेट चीज़ों को रिलेट करते हुए चलना. इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट. अगला वर्ड है डिलीरियस, स्वादिष्ट. डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट. प्लीजिंग मतलब खुशनुमा. डेस्परेट उदास या निराश. और एक्साइटेड मतलब उत्सुक. सो गाइस यहाँ पे डिलीरियस को मैं गलत पड़ गया. यहाँ पे डिलीरियस मतलब उत्साहित होता है गाइस. तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, उत्साहित, एक्साइटेड. अगला वर्ड है आपका लाइसेंसियस यानी कि अनैतिक. ऑप्शन हमारे पास पीछे हैं. इमोरल अनैतिक पहला ही हो जाएगा करेक्ट. अगला वर्ड है स्क्वेंडर, अपने समय या पैसों को बर्बाद करने वाला. एक्सपेंसिव मतलब महंगा. वेस्ट माने बेकार करना. और लाइटर मतलब कूड़ा कचरा. और इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती तौर पर चलना, नॉट कंजूसी, लेकिन सोच समझ के खर्च करने वाला. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट यानी कि बी करेक्ट. सो गाइज मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेंस का सेट है और मेंस का सेट आपका रहेगा 5 पार्ट में डिवाइड, यानी कि इसके 5 वीडियो बनेंगे. तो यहाँ पे ये पहला पार्ट मैं आपका यहीं रोकता हूँ. मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा. गुड बाय, हैव अ नाइस डे.